हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज लॉलीपॉप की रेसिपी। यह अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी हैं। इसे आप चाय या कॉफ़ी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं। आलुओं को हम मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। आलुओं को हमें अच्छे से मैश करना है। इसमें आलू के एक भी टुकड़े नहीं रहने चाहिए। आप आलुओं को हाथ से भी मैश कर सकते हैं। आलुओं को मैश करने के बाद हम इसमें सब्जियां ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ऐड की है। 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। 1 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड कर लेना है। थोड़ी सी कटी हुई धनिया और कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेना है। सब्जियों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 स्पून की हेल्प से हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलुओं को मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेना है, आप स्किप भी कर सकते हो। 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च ऐड कर लेना है। 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे लॉलीपॉप अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। सभी मसालों को हमें एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलुओं और सब्जियों का हमने जो मिक्सचर बनाया है उसे हम थोड़ा सा हाथ में लेकर सॉफ्ट कर लेंगे। आइसक्रीम स्टिक लगाकर इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे। अच्छे से दबाते हुए हम इसे एक लॉलीपॉप का शेप दे देंगे। आलू और सब्जी के मिक्सचर को हमें अच्छे से दबाते हुए आइसक्रीम स्टिक के ऊपर लगाना है, जिससे तलते टाइम ये खुले नहीं। इसी तरह से सभी वेज लॉलीपॉप हमें तैयार कर लेना है। वेज लॉलीपॉप खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत क्रिस्पी होते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो तो आप इन लॉलीपॉप को पहले से बनाकर फ्रिज में रख लें और गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ इसे आप सर्व करें। यहाँ पर मैंने सभी वेज लॉलीपॉप तैयार कर लिए हैं। ये लॉलीपॉप तेल में जाकर फटे नहीं, इसके लिए यहाँ पर हम एक स्लरी बना लेंगे। स्लरी बनाने के लिए यहाँ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला घोल बना लेंगे। वेज लॉलीपॉप को क्रिस्पी बनाने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स